हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास न्यू बाइक है जो कि आप देख रहे हो, ये है बजाज की प्लेटिना 100 cc जो कि 2021 वेरिएंट है। इसमें कुछ अपडेट हुई हैं, वो अपडेट मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ और जो चेंजेस हैं वो भी बताऊँगा, साथ में सारे फीचर्स को भी कवर करूँगा और प्राइस भी बताऊँगा और लास्ट में ये डिस्कस करेंगे इस बाइक को लेते समय क्या क्या एसेसरीज आपको साथ में देती है बजाज कंपनी, साथ में फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने कम से कम कितनी डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा। दोस्तों तो ज़्यादा टाइम न लगाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये रही हमारी बजाज की प्लेटिना 100 cc जो कि कुछ ऐसी दिखती है। इस बाइक का सबसे पहले मैं आप लोगों को एक 360 व्यू दे देता हूँ, आप लोग समझ जाओ ये बाइक दिखती कैसी है। दोस्तों और अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं, इधर आ जाते हैं। दोस्तों इधर से इस बाइक का व्यू कुछ ऐसे मिलने वाला है, अभी आप लोग समझ गए होंगे ये बाइक दिखती कैसी है। अभी हम इस बाइक के फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसके हेडलाइट की बात करें तो आपको हैलो मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे देखें तो आपको LED DRL मिल जाएगा। दोस्तों ये मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ मिलने वाली है। ये मैंने ऑन कर दिया और अभी सामने चल के देखते हैं। और ये आपका LED DRL ऑन हो चुका है दोस्तों, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। और मैं अभी हेडलाइट भी ऑन कर देता हूँ। हेडलाइट ऑन करने के लिए आप लोगों को इंजन ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आई स्विच दिया गया है, इसको से प्रेस करेंगे हेडलाइट ऑन हो जाएगी। अभी देखते हैं ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। दोस्तों अभी हाई बीम भी ऑन करके मैं दिखा देता हूँ। हाई बीम का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैंने हाई बीम ऑन कर दिया है। हाई बीम ऑन होने के बाद रोशनी अच्छी खासी बढ़ गई है, जो कि अच्छी बात है मेरे राइडर के लिए। ये रहा इंडिकेटर दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। और ये आपको बल्ब मिल जाएगा दोस्तों ऑन होने के बाद, कुछ ऐसे दिखने वाला है। अभी मैं बाइक को सबसे पहले ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने बाइक को ऑफ कर दिया। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस बाइक के फ्रंट लुक को लेके क्या चेंजेस हुए हैं 2020 से 2021 में। पहला चेंजेस आपको विंडशील पे देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको कंबाइन विंडशील देखने को मिल जाती है। वहीं पे हमारी 2020 वेरिएंट में आपको अलग से विंडशील ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको नट बोल्ट मिल जाता है, ये चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और BS4 वाला वेरिएंट हमारे पास है, एकदम सेम टू सेम BS4 वाला वेरिएंट जैसे हेडलाइट दी गई है। इसमें BS4 वाला वेरिएंट हमारे पास है, ये जो देख रहे हो ये BS4 वेरिएंट है। इसके हेडलाइट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये देखो सेम टू सेम वैसे हेडलाइट हमें अभी मिलती है 2021 में। दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट चेंजेस की बात करें तो सेकंड चेंजेस आपको यहां पे इंडिकेटर में देखने को मिलेगा, जैसे हमें BS4 वाले वेरिएंट में मिलता था वैसे इसमें मिल रहा है दोस्तों। और इसकी बात करें तो आपको इंडिकेटर तो बल्ब भी मिलेगा दोस्तों, लेकिन इंडिकेटर का डिजाइन थोड़ा यूनिक मिलता था जो हमारा 2020 मॉडल था दोस्तों, और यही चेंजेस था दोस्तों। अभी हम इसके सस्पेंशन की बात करते हैं। फ्रंट में आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन और रियर का मैं दिखा देता हूँ। रियर का ये रहा सस्पेंशन दोस्तों, रियर में आपको मिल जाएगा SNS स्प्रिंग एंड स्प्रिंग विद नाइट्रोक्स गैस कैनिस्टर दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं और मडगार्ड पे नज़र डालें तो आपको ब्लैक एंड ग्लोसी फिनिश में मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। एंड हाफ में यहाँ पे देखें तो आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, लेकिन ये मैट फिनिश में रहने वाला दोस्तों। अभी हम इसके टायर की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको टायर मिलने वाला है ट्यूबलेस टायर, और ब्रांड की बात करें तो आपको नायलॉन ब्रांड का मिल जाएगा दोस्तों। फ्रंट में आपको मिलने वाला है 80x100 सेक्शन का, और रियर का मैं दिखा देता हूँ। रियर में भी आपको सेम टायर साइज मिलने वाली है 80x100 का दोस्तों। और अभी हम आगे चलते हैं। व्हील की बात करें तो आपको इस बाइक में एलो व्हील देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में आपको मिल जाएगा 17 इंच का, और रियर में अभी आपको मिल जाती है 17 इंच का दोस्तों। अभी हम इस बाइक के ब्रेक की बात कर लेते हैं। इस बाइक में आपको ड्रम वेरिएंट देखने को मिलता है, साथ में डिस्क का भी ऑप्शन आता है दोस्तों। और ड्रम की बात करें तो फ्रंट में आपको 130mm का ड्रम मिल जाएगा, और रियर में आपको 110 का ड्रम। दूसरा ऑप्शन आपको आएगा डिस्क का, जिसमें क्या होगा कि फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क मिल जाएगा और रियर में आपको 130mm का ड्रम या फिर 110 का ड्रम मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, इसमें आपको CBS मिलता है, जिसे बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। ये काम कैसे करता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हम रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो अगला ब्रेक भी लगता है, कुछ परसेंट लगता है, जैसे 40% 50% डिपेंड करता है आप किस स्पीड में दोस्तों। इससे एक इफेक्टिव ब्रेक लगता है, जो कि प्लस पॉइंट है दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, और ये रहा इसका इंजन दोस्तों जो देख रहे हो। यहाँ पर आपको हॉर्न मिल जाता है, और कैटलेटिक कन्वर्टर की बात करें तो आपको इधर कैटलेटिक कन्वर्टर मिल जाएगा, ये जो आप देख रहे हो, इसे हम BS6 की पहचान मानते हैं दोस्तों। अभी हम उधर चलते हैं दूसरी तरफ, और अभी हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको इंजन मिल जाएगा दोस्तों 102 cc का, और इसकी पावर आपको मिलने वाली 7.9 PS एट 7500 RPM, और टॉर्क आपको मिल जाएगी दोस्तों 8.3 Nm एट 5500 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, टू वॉल्व,
एयर कूल EFI इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर मिल जाता है दोस्तों, और साथ में आपको 4-speed गियर बॉक्स मिल जाता है। और ये रहा आपका किक दोस्तों, इसमें आपको किक एंड सेल्फ का दोनों ऑप्शन मिलता है। और ये रहा आपका राइडर फुटरेस, ये रहा आपका दोस्तों ब्रेक पैड, और इंजन कुछ ऐसे दिखने वाला, आप देख ही रहे हो दोस्तों। और इधर आ जाते हैं, ये रहा आपका पिलियन राइडर फुटर जो कि फोल्डेबल है, बहुत ही कम्फर्टेबल दोस्तों, काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। और ये रहा आपका साइलेंसर जो आप देख रहे हो, इसके ऊपर आपको साइलेंसर कवर मिल जाती है जो कि क्रोम फिनिश के साथ में आती है। और ये रहा हमारा सस्पेंशन, इधर का व्यू आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ ग्राफिक्स मिल जाएगा जैसे हमें BS4 वाले वर्जन में देखने को मिलता था, वैसे ही आपको मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्लेटिना लिखा हुआ मिल जाएगा। और अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखें तो 100 कम्फर्टेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और इधर का व्यू मैं थोड़ा दूर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसे मिलने वाला है इधर का व्यू। अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं, और ये रहा है दोस्तों इस बाइक का टेल लैंप। ये टेल लैंप आपको बल्ब मिलने वाला है, ये भी मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन हो चुकी है बाइक, अब देखते हैं। ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा टेल लैंप दोस्तों, काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी मैं सबसे पहले बाइक को ऑफ कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखें तो आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा नंबर प्लेट लगेगा। और ये रहे इंडिकेटर दोस्तों, जो बल्ब मिलते हैं। ये रहा मडगार्ड, मडगार्ड काफ़ी लंबा है, अच्छा है, पानी के छींटे पिलियन राइडर के ऊपर उड़ के नहीं जाएंगे। और इधर आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपको 100 कम्फर्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपका सारी गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज फुटरेस, अभी लगाया नहीं है, जब आप लोग डिलीवरी लोगे तो वो लगा के दे देंगे दोस्तों। और यहाँ पर हमें पिलियन राइडर फुटरेस मिल जाता है जैसे आप लोगों ने उधर देखा था। और ये रहा चैन कवर दोस्तों, एक अच्छी बात है, हमें बार बार चैन को क्लीन करने की जरूरत पड़ेगी इसकी वजह से। इसमें आपको सिंगल स्टैंड मिल जाएगा, डुअल स्टैंड मिल जाएगा। ये रहा हमारा राइडर फुटरेस, ये रहा हमारा गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 4-speed गियर बॉक्स लगने वाला है, 4 आपका पीछे लगेगा दोस्तों और 4 आगे की तरफ उतरेंगे दोस्तों। और ये रहा इंजन, इधर से व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा इंजन का। ये रहा हमारा कैटलेटिक कन्वर्टर। और टैंक पे चलते हैं अभी हम, टैंक का व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा दोस्तों, जैसे आप लोगों ने उधर ग्राफिक्स देखे थे वैसे ही आपको इधर मिलने वाला। अभी हम सामने की तरफ चलते हैं, सामने से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है दोस्तों। अभी हम इस बाइक के सीट की बात कर लेते हैं, इस बाइक का सीट आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, 2021 वाले मॉडल में आपको कुछ ऐसी सीट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखें तो आपको रेड कलर की स्ट्रेचिंग देखने को मिल जाएगी जो देखने में काफ़ी कड़क दिख रही है दोस्तों। ये जैसे हमें BS4 में आती थी सीट वैसी दे दी गई है दोस्तों। और इसकी बात करें तो जो 2020 में आई थी मॉडल, ये आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कम्फर्टेक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जैसे हमें प्लेटिना 110H गियर में सीट मिलती है वैसे इसमें मिलती थी दोस्तों। और अभी हम आगे बात कर लेते, इस बाइक की सीट की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी सॉफ्ट है दोस्तों, आप लोगों को राइड करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर देखें तो आपको ग्रैब रेल मिल जाएगा जो कि हमारे पिलियन राइडर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अभी हम इसके टैंक की बात कर लेते हैं, टैंक एंड ग्राफिक्स पे कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे हमें 2020 में मिलता था वैसे हमें सेम टू सेम अभी मिलता है दोस्तों। और एक चेंजेस है, यहाँ पे देखें तो आपको टैंक पैड नहीं मिलता है अभी वाले वेरिएंट में, जो 2020 वाला वेरिएंट है उसमें आपको टैंक पैड मिल जाता था, ये कुछ ऐसे करके ये चेंजेस हैं। और फ्यूल टैंक की बात करें दोस्तों, आपको इस बाइक में फ्यूल टैंक मिल जाएगा 11 लीटर का, और इस बाइक की माइलेज आपको 70+ मिलने वाली है, बाकी तो डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो दोस्तों। अभी हम चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर, ये मैं आप लोगों को ऑन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। इसमें आपको फुली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, ये आपका स्पीड शो करेगा, कितना किलोमीटर बाइक चली है यहाँ पे शो करेगा, ये आपका फ्यूल का हो गया, ये आपका इंजन माल फंक्शन लाइट, ये आपका अपर डिपर का यहाँ पर शो करेगा, ये आपका टर्न सिग्नल लैंप का, ये आपका न्यूट्रल का दोस्तों। और अभी हम चलते हैं इसके हैंडल बार पर, ये आपका थ्रोटल हो गया, ये आपका ब्रेक लीवर हो गया दोस्तों, और ये आपका हो जाता है लाइट ऑन ऑफ करने का, ये आपका सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। अभी हम दूसरी तरफ आते हैं, और इधर देखें ये आपका अपर डिपर हो जाएगा, ये टर्न सिग्नल लैंप, ये आपका हॉर्न हो गया, काफ़ी लाउड हॉर्न है दोस्तों। और यहाँ पे आपको पासिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ये हमारा हो जाता है क्लच लीवर दोस्तों। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए दोनों बाइकों में, मैं दिखा देता हूँ, ऑलमोस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम ही हैं। और अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के लेंथ के बारे में, इस बाइक में आपको लेंथ मिल जाएगा 2006 mm, और विड्थ आपको मिलने वाली है 713 mm दोस्तों, और आपको हाइट मिल जाएगी 1100 mm, और सेडल हाइट आपको मिलने वाली है 807 mm, और ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का आपको मिल जाएगा 200 mm, और व्हील बेस इस बाइक के है 1255 mm, और इस बाइक का वेट मिल जाएगा 119 kg दोस्तों। दोस्तों इस बाइक के कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला आपको ये मिल जाएगा जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली आपका ब्लैक एंड सिल्वर कहलाता है, दूसरा आपको ब्लैक एंड ब्लू मिल जाएगा, एक और है जो कि रेड कलर में आता है दोस्तों, उसका मैं कन्फर्म नहीं हूँ, वो एक्चुअली वेबसाइट पर शो करता है, अभी तक शोरूम पर मैंने नहीं देखा है। और ये बाइक मैं ऑन करके थोड़ा इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुन लेते हैं, ऑन होने के बाद कैसे आवाज़ करती है ये।
और दोस्तों इस बाइक में तीन वेरिएंट टोटल आपको देखने को मिलता है। पहला आपको देखने को मिल जाएगा किक स्टार्ट, जिसमें आपको सेल्फ नहीं मिलेगा। दूसरा आपको किक स्टार्ट मिल जाएगा, साथ में सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। दूसरा आपको मिल जाएगा किक सेल्फ एंड डिस्क के साथ में आता है। तीनों बाइकों का प्राइस मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, साथ में ये भी बताऊंगा इस बाइक के साथ में एसेसरीज आपको क्या क्या मिलती है। बाकी जो चेंजेस है मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया, इस बाइक में आपको 2020 से 2021 में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आगे अभी हम वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारे साथ में बजाज की टीम से है। सर आपका नाम? शुभम मिश्र। ओके सर जी, इस बाइक का प्राइस जाना था। एक्चुअली इसमें तीन वेरिएंट है। पहला मुझे किक स्टार्ट का एक्स रूम प्राइस बता दो। प्लेटिना 100 केएस का एक्स रूम 53,120 रुपए है। ओके 53,120 रुपए आपको एक्स रूम प्राइस पड़ जाएगा। और ऑन रोड कितना पड़ जाएगा? ऑन रोड पड़ जाएगा इसका 64,884 रुपए। ओके 64,884 रुपए आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। अभी आप मुझे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बता दो, कितना पड़ जाएगा एक्स रूम प्राइस? 60,179 रुपए। ओके 60,179 रुपए आपको उसका एक्स रूम पड़ेगा। और ऑन रोड कितना पड़ जाएगा? ऑन रोड 72,782। ओके 72,782 रुपये आपको उसका ऑन रोड पड़ जाएगा। अभी आप मुझे इलेक्ट्रिक स्टार्ट 20 वेरिएंट का एक्स रूम प्राइस बता दो। 63,898। ओके 63,898 रुपये आपको उसका एक्स रूम प्राइस पड़ जाएगा। और ऑन रोड कितना पड़ जाएगा? 76,942। ओके 76,942 रुपये आपको उसका ऑन रोड पड़ जाएगा। और दोस्तों और सर ये बता दो आप मुझे, इस बाइक को अगर कोई लेता है तो कम से कम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? 30%। ओके और ये बता दो इस बाइक के साथ में एसेसरीज आप क्या क्या देने वाले हो? बाइक के साथ हेलमेट हो गया, हाँ, सीट कवर, हाँ, बैग। ओके जो कि अच्छी बात है। और अपने शोरूम का शॉर्टकट में एड्रेस बता दो यहाँ का। शॉर्टकट में रानीगंज कैथौला, हाँ, श्री बजाज ऑटो सेल्स। ओके और कोई कॉन्टेक्ट नंबर याद है? हाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, हाँ 9936 72,010। ओके और दोस्तों अगर आप लोग को बजाज की कोई बाइक लेना हो, अगर आप लोग आसपास से हो यहाँ से, तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बजाज की सारी बाइकें मिल जाएगी। मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो भी डिटेल होगा आप इनसे बात करके ले सकते हो, जो भी डिटेल होगा मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम लोग रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।